गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आजकल चल रहा है शादियों का सीजन, तो मेरे घर पे आई है हल्दीराम की स्वीट्स और स्नैक का एक बॉक्स जो हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में मिला। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आपको इसके बारे में पता ही होगा कि जब शादी अटेंड करने के बाद रिलेटिव्स या फ्रेंड्स अपने घर जाने लगते हैं तो उन्हें रिटर्न में इस तरीके का बॉक्स दिया जाता है। ये बॉक्स मुझे काफी अट्रैक्टिव और यूनिक लगा, तो मैंने सोचा इसे मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसकी पैकिंग भी काफी अच्छी है और ये 2 kg का मिठाई और स्नैक का बॉक्स है। तो इस बॉक्स को मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसे ओपन करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके की पतली प्लास्टिक की शीट लगा रखी है, जिसे मैंने हटा लिया है। तो फ्रेंड्स, हल्दीराम मिठाइयों और स्नैक का एक फेमस ब्रांड है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो इस बॉक्स के राइट साइड में है मेरी फेवरेट कचौड़ियाँ, नीचे 2 तरह की मीठे शकरपारे हैं, एक चाशनी और दूसरे विदाउट चाशनी वाले। सबसे ऊपर 3 तरह के लड्डू हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट और बेसन के लड्डू हैं। सेंटर में है 2 बूंदी के लड्डू, काजू कतली, ड्राई फ्रूट्स कतली और बर्फी। तो इसके लेफ्ट साइड में है मठरी, पर ये नॉर्मल मठरी नहीं है, बल्कि इन मठरी के अंदर एक स्पेशल चटपटा मसाले की फीलिंग है। तो ये सभी फूड आइटम काफी हाइजीनिक है, साथ ही ब्यूटीफुली और अट्रैक्टिव ढंग से अरेंज करके रखी गई है। तो इन सभी स्वीट्स और स्नैक्स को देखकर तो मुझे जोरों की भूख लग गई है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने लिए ये एक प्लेट। तो इस प्लेट में मैंने एक कचौड़ी, एक काजू कतली और एक अपना फेवरेट लड्डू रख दिया है। तो इसमें मैं रखूंगी एक मसालेदार स्टफ्ड मठरी, एक ड्राई फ्रूट्स कतली या बर्फी और एक ही मैं यहाँ पर रखूंगी बूंदी का ये लड्डू। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बॉक्स में जो भी चीजें रखी गई हैं वो काफी दिनों तक भी खराब ना होने वाली फूड आइटम है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ शादियों में क्या इस तरह का या कोई अन्य कल्चर है? तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो मैं आशा करती हूँ मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग और पसंद जरूर आया होगा। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,